जय हिंद लर्नर्स, मैं हूं आपके साथ स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय की सहायक प्राध्यापिका प्रीति सिंह। आज के हमारे इस ई लेक्चर में हम बात करेंगे संस्कृति की प्रकृति की। देखिए, संस्कृति की विशेषताएं या प्रकृति विषय के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, यह भाग है इंडियन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट का, जो कि आप पत्रकारिता में भी पढ़ते हैं और विभिन्न विषयों में भी पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं के विषय में। सबसे पहले बात आती है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, जो कि हमने अपने पहले ई लेक्चर में भी बात की थी कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार होती है। ये हमें बाय बर्थ नहीं मिलती, बल्कि हम इसको सोशलाइजेशन के प्रोसेस से सीखते हैं। अर्थात संस्कृति को व्यक्ति अपने पूर्वजों के वंशानुक्रम के माध्यम से नहीं प्राप्त करता, बल्कि समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। और ये सीखना लाइफ टाइम चलता है, यानी कि मनुष्य अपने बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखता रहता है। यही संस्कृति की मुख्य विशेषता भी है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, लेकिन हम सभी सीखे हुए व्यवहार को संस्कृति नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए, पशुओं द्वारा सीखे गए व्यवहार को संस्कृति नहीं कहा जा सकता है। संस्कृति के अंतर्गत वे आदतें और व्यवहार के तरीके आते हैं जिन्हें सामान्य रूप से समाज के सभी सदस्यों द्वारा सीखा जाता है। यानी कि जो बिहेवियर एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग कर रहे हैं वो संस्कृति है। पशुओं को हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को सिखा तो सकते हैं, लेकिन पशु उस संस्कृति को अपने बच्चों को नहीं सिखा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम डॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं तो मनुष्य डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन डॉग क्या है, अपने बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। इट मीन्स पशु क्या है, किसी पर्टिकुलर व्यवहार को सीख तो सकता है, लेकिन उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचा सकता है। तो इसीलिए सभी व्यवहार को हम संस्कृति नहीं कह सकते हैं। मनुष्य जिस व्यवहार को सीख रहा है, जिस आदत को, जो उसकी आदत है, उसको हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि वह संस्कृति का एक हिस्सा है। संस्कृति सामाजिक होती है, यानी कि कल्चर जो है वो क्या है, सोशल है। यानी कि संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। संस्कृति के अंतर्गत पूरे समाज एवं सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि किसी एक या दो चार व्यक्तियों द्वारा सीखे गए व्यवहार को संस्कृति नहीं कहा जा सकता है। कोई भी व्यवहार जब तक समाज के अधिकतर व्यक्तियों द्वारा नहीं सीखा जाता, तब तक वह संस्कृति नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर किसी सोसाइटी के, यानी कि एक जाति की, अगर मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लूँ, किसी एक जाति के चार पांच लोग चोरी का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी तो नहीं कर रही है ना, पूरी जाति तो नहीं कर रही है, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते कि ये उस जाति की संस्कृति है। अब अगर किसी संस्कृति के लोग किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उस समाज के सभी लोग उस त्यौहार को मना रहे हैं ना। जैसे अगर हम कहें कि बिहार के लोग छठ पूजा बनाते हैं, तो छठ पूजा क्या है, पूरी सोसाइटी उनकी बना रही है। यानी कि एक ही व्यवहार सभी लोग कर रहे हैं। यानी कि जब कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर पूरी सोसाइटी में होता है, तो हम उसको संस्कृति कहते हैं। अगर एक बिहेवियर को दो या चार लोग कर रहे हैं, तो हम उसको संस्कृति नहीं कहेंगे। वो व्यक्ति का अपना व्यवहार हो सकता है। जब हमने संस्कृति के अर्थ और परिभाषा की बात की थी, तो हमने वहाँ पर बात की थी कि संस्कृति क्या होती है, हस्तांतरित होती है। संस्कृति ट्रांसफर होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो संस्कृति का ये गुण होता है कि वह अनुभव और सूझ के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। संस्कृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है, यानी कि उसमें कुछ अपलिफ्टमेंट हो सकता है या उसमें कुछ कमी आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। संस्कृति के इसी गुण के कारण मानव अपने पिछले ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर आगे नई नई चीजों का आविष्कार करता रहता है। जैसे कि अगर हम आदिम समाज की बात करें, तो आदिम समाज ने क्या किया, आग को, मतलब दो पत्थरों को टकरा के उसने आग बनाई। फिर उसने क्या किया, जो भी जंगली जानवरों को मारता था अपना पेट भरने के लिए, उनको पका के खाना शुरू कर दिया। और आज के समय में वो कितना परिवर्तित हो गया है कि हम अलग अलग प्रकार के
व्यंजन जो है बना बना कर खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मनुष्य ने क्या किया, अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसने नई नई चीजों का आविष्कार किया, नई नई चीजों का इन्वेंशन किया। इट मीन्स क्या हुआ, संस्कृति हस्तांतरित हुई है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। यस, उसमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, लेकिन वो चेंजेस भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं संस्कृति की कुछ और विशेषताओं के विषय में। संस्कृति क्या है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। देखिए, जब हम संस्कृति की परिभाषा के बारे में बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि संस्कृति क्या है, एक ऐसा पर्यावरण है जो मानव निर्मित है, यानी कि मनुष्य ने क्या किया, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ निर्मित किया। संस्कृति का तात्पर्य उन सभी तत्वों से होता है जिनका निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। उदाहरण के तौर पर हमारा धर्म, विश्वास, ज्ञान, आचार व्यवहार के तरीके एवं तरह तरह की आवश्यकताओं के साधन, अर्थात कुर्सी, टेबल, ठीक है, इन सब का निर्माण किसने किया, मनुष्य ने किया है। और मनुष्य ने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीजों को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। हर्ष कोविट्स का कहना है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी कि जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो छोटी छोटी इकाइयों की हमें ज़रूरत है, कल्चर उसको कंप्लीट करता है। संस्कृति में मानव आवश्यकता पूर्ति का गुण होता है। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है या पूर्ति करने के लिए उसको हेल्प करती है। कभी कभी संस्कृति की कोई इकाई बाहरी तौर पर निरर्थक या अप्रकार्य प्रतीत होती है, यानी कि वो फंक्शनल नहीं होती है, लेकिन संपूर्ण ढांचे से उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। संपूर्ण ढांचे में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बात करें सती प्रथा की, तो सती प्रथा क्या थी, ये फंक्शनल नहीं थी, हमारी सोसाइटी के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सती प्रथा जो है वो खत्म होती चली गई। क्यों, क्योंकि हमें ये लगा कि हमारी संस्कृति में ये फिट नहीं बैठती है, क्योंकि हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की जान ले सकें। तो इसलिए क्या हुआ, सती प्रथा जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, यानी कि मनुष्य ने अपनी छोटी से छोटी इकाइयों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करने के लिए उसने क्या किया, जो फंक्शनल चीजें नहीं थी उसको उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे से हटा दिया। आगे बात करते हैं संस्कृति की कुछ और विशेषताओं के विषय में कि संस्कृति क्या है। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, अपनी एक अलग संस्कृति है। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वहाँ के लोगों का ट्रेडिशन बिल्कुल अलग है, वहाँ के लोगों का खान पान बिल्कुल अलग है, यूपी के लोगों का बिल्कुल अलग है, ठीक है, कश्मीर के लोगों का बिल्कुल अलग है। इट मीन्स हर सोसाइटी की अपनी एक भौगोलिक और एक प्राकृतिक जो है उसका डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है, वहाँ का वातावरण अलग होगा, वहाँ की संस्कृति अलग होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो पहाड़ों पर जो लोग हैं उनका जीवन यापन करने का तरीका बिल्कुल अलग है, वहाँ पे खान पान की चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, और मैदानी भाग के जो लोग हैं उनका पर्यावरण बिल्कुल तरीके से अलग है। भाई अगर मेरे को पहाड़ पे जाकर रहना है तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय होगा, क्योंकि वहाँ पे सड़कें प्रॉपर नहीं है। अगर मैदानी भागों की हम बात करते हैं तो हम बाय बाइक या बाईसाइकिल हम बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए क्या है, हर सोसाइटी की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन का तरीका, वहाँ का नृत्य, वहाँ का गायन, वहाँ का धर्म, वहाँ की पूजा पाठ, वहाँ के कर्म कांड, वहाँ की सभी चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है, यानी कि एडेप्शन का गुण होता है। अगर किसी सोसाइटी को लगता है कि मेरी सोसाइटी के लिए ये चीज़ अच्छी है तो वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको ये लगता है कि ये मेरी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है तो वो उसको क्या करेगा, धीरे धीरे खत्म करता चला जाएगा। जैसे कि अभी हमने पीछे भी एग्जाम्पल पढ़ा था कि सती प्रथा जो है वो खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में फिट नहीं बैठ रही थी। संस्कृति समाज के वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार होती है। जब वातावरण एवं परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो संस्कृति भी उसके अनुसार ढल जाती है, उसके अनुसार परिवर्तित हो जाती है। यदि यह विशेषता एवं गुण ना रहे तो संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। हम इसको पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संस्कृति क्या है, उसके रूप में परिवर्तन आपको मिलता रहता है, आपको उसके रूप में परिवर्तन देखने के लिए मिलता ही रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता रहेगा। अब संस्कृति में संतुलन
और संगठन का गुण भी होता है, यानी कि वो क्या है, बैलेंस्ड है और लोगों को संगठित करके रखती है। तो संस्कृति के अंतर्गत अनेक तत्व एवं खंड होते हैं, किंतु ये आपस में पृथक नहीं होते, आपस में अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि इनमें अंतः संबंध होता है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो संस्कृति की प्रत्येक इकाई एक दूसरे से अलग हटकर कार्य नहीं करती, बल्कि सम्मिलित रूप से काम करती है। इस प्रकार के संतुलन एवं संगठन से सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण होता है, यानी कि हमारा क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, कल्चरल स्ट्रक्चर बनता है। संस्कृति समूह का आदर्श होती है। अगर किसी सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो एक आदर्श बन जाती है। तो इस तरह की धारणा सभी समाज में पाई जाती है। अगर देखो, अगर हम ये कहें कि किसी समाज का कोई व्यक्ति IAS या PCS बन गया, तो बाकी लोगों को भी तो इंस्पिरेशन मिल रही है उससे, तो वो क्या करेंगे, जो जो चीज़ें उसने की हम उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो हमारे लिए वो व्यक्ति क्या हो गया, एक आदर्श व्यक्ति हो गया। उसी प्रकार से किसी समूह के व्यक्ति अगर किसी बिहेवियर को करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छा समझ के, उसको आदर्श समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, संस्कृति इसलिए भी आदर्श होती है, इसका व्यवहार, इसका प्रतिमान किसी व्यक्ति विशेष का ना होकर सारे समूह का व्यवहार होता है, कि उस सोसाइटी के, उस ग्रुप के लोग जो हैं वो उन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात हुई संस्कृति की विशेषता की। अब हम बात करते हैं संस्कृति के प्रकारों की, यानी कि कल्चर के फंक्शंस की हम बात करते हैं। तो देखिए, संस्कृति के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरीके से काम करता है, एक होता है व्यक्ति के लिए और एक होता है समूह के लिए। तो जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो संस्कृति का क्या फंक्शन है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, कि संस्कृति मनुष्य को मानव बनाती है। ठीक है, यानी कि संस्कृति क्या कर रही है, मनुष्य को सभ्य बना रही है, उसको ज्ञान दे रही है कि उसको समाज में किस तरीके से आचार, उसका व्यवहार, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका क्या होना चाहिए। तो संस्कृति मनुष्य को मानव बनाती है। ठीक है, संस्कृति क्या करती है, जटिल स्थितियों का समाधान करती है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है तो उसका सोल्यूशन भी हमारा कल्चर करता है। कल्चर क्या करता है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मानव ने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई नई चीज़ों को डेवलप किया, इन्वेंट किया। तो उसने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारा काम किया है। तो व्यक्ति के लिए संस्कृति का ये फंक्शन है कि वो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्तित्व निर्माण करती है संस्कृति, यानी कि क्या करती है, आपका डेवलपमेंट करती है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करने का कार्य जो है वो संस्कृति का है, वो हमारे कल्चर का काम है, कि वो मनुष्य को क्या देती है, एक मूल्य प्रदान करती है, उसको एक आदर्श प्रदान करती है, उसकी नैतिकता का निर्धारण करती है, यानी कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, सोसाइटी में उसको कैसा बिहेवियर करना है, ये भी कल्चर का ही एक फंक्शन है। ठीक है, अनुभव एवं कार्यकुशलता बढ़ाती है। हम बात कर रहे थे कि मनुष्य क्या करता है, अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है, अपने काम करने के तरीके के आधार पर, अपने सूझबूझ के आधार पर आगे बढ़ता है। तो ये भी कल्चर का एक फंक्शन है कि मनुष्य उसके अनुसार क्या करता है, अपने अनुभव के अनुसार आगे बढ़ता चला जाता है। संस्कृति व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार चलेगा तो वो रूल को भी फॉलो करेगा, लॉ को भी फॉलो करेगा, रेगुलेशन को भी फॉलो करेगा। इट मींस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान होगी, सामाजिक तौर पर भी और संवैधानिक तौर पर भी। कल्चर क्या करता है, समस्याओं का समाधान करता है, इसके साथ ही ये समाजीकरण में भी योग देती है। और परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण भी हमारी संस्कृति करती है, यानी कि किसी सोसाइटी में हमारा रोल क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, उसका निर्धारण भी संस्कृति करती है। राइट, अगर अगर कोई पिता है, कोई माता है, ठीक है, कोई चाचा है, या कोई टीचर है, या कोई इंजीनियर है, तो सोसाइटी में वो क्या है, उसकी भूमिका है, उसका रोल है। ठीक है, और अगर हम परिस्थिति की बात करते हैं तो परिस्थिति क्या है, उसका स्टेटस है। और स्टेटस को हम क्या कहेंगे, जब कोई व्यक्ति
जैसे हम ये कहें कि कोई व्यक्ति अमीर है या कोई व्यक्ति गरीब है, तो अमीर क्या है? उसका स्टेटस है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना कि ये तो मिडिल क्लास फैमिली है, तो मिडिल क्लास क्या है? उस व्यक्ति की स्टेटस है, उस व्यक्ति की परिस्थिति है। और ये क्या करती है? सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक होती है। ठीक है, संस्कृति के ये हमारे फंक्शन होते हैं व्यक्ति के लिए। अब हम बात करते हैं संस्कृति के जो फंक्शन है वो किसी समूह के लिए किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, संस्कृति, हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि संस्कृति में क्या होता है, कोई पूरा एक समूह उस बिहेवियर को कर रहा है तभी वो संस्कृति है। अगर किसी समूह के एक या दो व्यक्ति उस कार्य को कर रहे हैं तो हम उसको संस्कृति नहीं कह सकते हैं। तो समूह के लिए संस्कृति क्या करती है? सामाजिक संबंधों को स्थिर रखती है। जो भी समाज में हमारे दूसरे लोगों से संबंध है उनको ये स्थिर रखती है। और क्या करती है? व्यक्ति के दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। एक व्यक्ति किसी समाज में रहकर वो किस तरह की सोच रखता है, किस तरीके से चीजों को देखता है, ये उसको विस्तृत करती है। इसके साथ ही संस्कृति क्या करती है? किसी समूह के व्यक्तियों के लिए नई आवश्यकताओं को उत्पन्न करती है। यानी कि जब मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी तो मैं उस चीज़ का निर्माण करूँगी। और संस्कृति में हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि संस्कृति में व्यक्ति क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई नई चीज़ों को डेवलप करता है। जो भी चीज़ें हमारे आदिम समाज में होती थी वो चीज़ें परिवर्तित हो गई। जो हमारे दादा परदादा जिन चीज़ों को फॉलो करते थे, फॉलो तो हम उनको आज भी कर रहे हैं, लेकिन उनका रूप थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। आज मुझे पढ़ाई करने के लिए लाइट आवश्यकता है, तो मनुष्य ने क्या किया? बिजली बनाई। ठीक है, पहले के समय में बिजली का उत्पादन नहीं हो पाया था, तो व्यक्ति ने क्या किया? दिया जला के पढ़ना शुरू किया। तो चीजों में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और जब किसी समूह के व्यक्ति उस ही व्यवहार को अपनाएंगे तो वो हमारी संस्कृति कहलाएगी। संस्कृति जो है उसमें समाजीकरण का गुण होता है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। संस्कृति की ये भी विशेषता है कि हम किसी अगर किसी समूह के सभी व्यक्ति उस व्यवहार को कर रहे हैं तो वो संस्कृति है। संस्कृति और व्यवहार में थोड़ा सा अंतर है कि संस्कृति जो है वो मनुष्य में होती है, पशुओं में नहीं होती। पशुओं को हम सिखा ज़रूर सकते हैं किसी व्यवहार को, लेकिन वो अगली पीढ़ी को नहीं सिखा सकता है। तो संस्कृति जो है वो एक वृहद रूप है जिसको बहुत डीपली पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसको भारतीय संदर्भ में पढ़ते हैं संस्कृति को, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी जानने और समझने के लिए मिलती हैं। तो आज के हमारे इस ई कंटेंट में इतना ही। आई होप कि आपको संस्कृति की विशेषताओं की समझ आपको हो गई होगी। उसके साथ ही जो संस्कृति के फंक्शन हैं, जो कल्चर के फंक्शंस हैं कि समूह के लिए क्या होते हैं और व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के हमारे इस ई कंटेंट में इतना ही। जय हिंद। सुभारती।